हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैंड वॉशिंग के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला आएगा, शुरुआत में हम कर पढ़ेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन टॉपिक यू विल बी एबल टू। सबसे पहला है आइडेंटिफाई हु शुड प्रैक्टिस हैंड हाइजीन, ठीक है। सेकंड आता है डिस्क्राइब व्हाट हैंड हाइजीन इज़। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर थर्ड पॉइंट आता है आइडेंटिफाई वेयर हैंड हाइजीन प्रैक्टिस शुड टेक प्लेस। फोर्थ आता है एक्सप्लेन व्हाई हैंड हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब व्हेन हैंड हाइजीन इज़ टू बी परफॉर्म्ड। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ टू परफॉर्म हैंड हाइजीन यूजिंग वेरियस स्टेप्स। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आएगा हैंड वॉशिंग इज़ द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज। इट्स ईजी टू लर्न हाउ टू वॉश योर हैंड एंड हाउ टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाई वॉशिंग द जर्म्स अवे। ये कहना चाहता है कि हैंड वॉशिंग सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे है, इफेक्टिव तरीका है जो कि प्रिवेंट करता है और स्प्रेड ऑफ जर्म्स, जर्म्स के फैलने को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फैलने को, और प्रिवेंट करता है ये कम्युनिकेबल डिजीज से भी। इट ईजी टू लर्न, ये बहुत ईजी होता है। हाउ टू वॉश योर हैंड एंड हाउ टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे हम अपने हैंड अच्छे से हैंड वॉश करने से डिजीज से प्रिवेंट किया जा सकता है, सच एज सिजेलोसिस, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज, इन्फ्लुएंजा एंड द कॉमन कोल्ड। वी कैन पिक अप जर्म्स फ्रॉम डोर नोब्स, स्टेयर्स रेलिंग एंड एनी थिंग दैट हैज़ बीन टच्ड बाय अदर हु आर नॉट गुड हैंड वॉशर्स। हम जो जर्म्स हैं, जर्म्स हमारे हाथों में कैसे आ सकते हैं? एक तो जो दरवाज़ों की नोब्स होती है उससे, स्टेयर से, रेलिंग से, और ऐसी जगह जहाँ हम टच करते हैं, और हम क्या है, गुड हैंड वॉशर्स भी नहीं है। डेफिनेशन ऑफ हैंड वॉशिंग में सबसे पहले आएगा, हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन इज़ द एक्ट ऑफ क्लीनिंग वंस हैंड विद और विदाउट द यूज़ ऑफ वाटर। सबसे पहले हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन एक एक्ट होता है जिससे क्लीनिंग करते हैं हम हैंड की, पानी के साथ और पानी के बिना, वाटर और अनोदर लिक्विड, और विद द यूज़ ऑफ सोप फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमूविंग सॉइल। सोप का यूज़ हम क्यों करते हैं? सॉइल को रिमूव करने के लिए, डर्ट को रिमूव करने के लिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए। हु शुड प्रैक्टिस हैंड हाइजीन, कौन हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस? हैंड हाइजीन प्रैक्टिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। एवरी वन नीड्स टू प्रैक्टिस अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव हैंड हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस जो है वो केवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि हाइजीन और हाइजीन मेंटेन करता है और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खुद को प्रिवेंट करता है। वेयर शुड यू परफॉर्म हैंड हाइजीन? हैंड हाइजीन कहाँ कहाँ हमें पेशेंट एनवायरनमेंट कॉन्टैक्ट इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। सेकेंड आता है हैंड हाइजीन इन इम्पॉर्टेंट इन ऑल वर्क सेटिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्यूट केयर, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, कम्युनिटीज एंड कॉरपोरेट साइट्स। थर्ड आता है प्रोवाइडिंग एल्कोहल बेस्ड हैंड रब एट द पॉइंट ऑफ केयर इज एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम सपोर्ट टू इम्प्रूव हैंड हाइजीन। Why do we need to learn about hand hygiene? Hand hygiene is the most important way to prevent the spread of germs. Hand hygiene help keep you healthy by reducing the number of germs on your hand and help reduce the spread of germs to your family, friends, co-workers, patients and residents of clients. Third point aayega, using appropriate hand hygiene prevents contamination of the patient's, clients or residents' environment. When do you perform hand hygiene? कब hand hygiene perform करनी चाहिए? Before initial patient or patient environment contact. Patient के contact में जाने से पहले और उसके बाद. Before aseptic or clean procedure. Procedure को करने से पहले. After body fluid exposure.
बॉडी फ्लूड एक्सपोजर होने के बाद अगर आफ्टर कांटेक्ट विद पेशेंट और पेशेंट इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में आने के बाद भी हैंड वॉश करना चाहिए। हाउ टू परफॉर्म हैंड वॉश, हैंड हाइजीन को कैसे परफॉर्म करते हैं। प्रॉपर टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इफेक्टिव हैंड हाइजीन। विदाउट प्रॉपर हैंड हाइजीन टेक्निक वी कैन स्टिल स्प्रेड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद आवर हैंड। अगर प्रॉपर टेक्निक से हम हैंड वॉश नहीं करते हैं तो हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। दिस सेक्शन विल कवर द रखेंगे या रनिंग वाटर के नीचे रखेंगे। उसके बाद अप्लाई सोप एंड डिस्ट्रीब्यूट अवर हैंड। सोप के ऊपर, हाथों के ऊपर सोप को अप्लाई करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों हाथों में। रब हैंड टुगेदर विगरेसली फॉर 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड के लिए हाथों को रब करेंगे टू क्रिएट अ गुड लेदर, एक अच्छे फ्रिक्शन के लिए पाम टू पाम। रब फिंगर टिप को रब करेंगे उसके बाद ऑफ ईच हैंड इन अपोजिट पाम, दोनों हाथों की अपोजिट पाम पर फिंगर की टिप्स को रब करेंगे। सबसे पहले हाथों को रनिंग वाटर के नीचे रखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर सोप अप्लाई करेंगे। 15 सेकेंड के लिए दोनों हाथों को रब करेंगे। रब करने के बाद हाथों की जो फिंगर टिप्स है वो दोनों पाम्स पर अपोजिट साइड में रब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिटवीन और अराउंड फिंगर, फिंगर के बीच में और फिंगर के चारों तरफ भी हम रब करेंगे। 6th पॉइंट आता है रब ईच थंब क्लैप्स्ड इन अपोजिट हैंड, दोनों अपोजिट हैंड से जो थंब है उसको भी रब करेंगे। उसके बाद आता है रब बैक ऑफ ईच हैंड विद अपोजिट पाम, दोनों हाथों के अपोजिट साइड को बैक साइड से अपन रब करेंगे, बैक साइड को अपन रब करेंगे दोनों हाथों की। नेक्स्ट आता है रिंस हैंड थ्रोली अंडर रनिंग वाटर, और हैंड को वॉश करेंगे रनिंग वाटर के अंदर। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर दे रखा है, अप्लाई करेंगे सोप को, पहले हाथों को रनिंग वाटर के नीचे रखेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे सोप को। सेकंड आएगा इंटरलॉक करेंगे, फिर पाम को रब करेंगे, उसके बाद फिंगर टिप्स को रब करेंगे, उसके बाद टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग। थैंक यू।